अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दुबई इंफोटेक चैनल। जो ट्रैवल के रिलेटेड है वो अभी काफ़ी सारी अपडेट्स आ रही हैं, काफ़ी सारे रूल्स को रिलैक्सेशन कर दिया गया है, उनके काफ़ी इजी किया अभी ट्रैवल के लिए। और इसके साथ साथ में यहाँ पे यूई के अंदर भी जो कोविड के रिलेटेड जो सेफ्टी मेजर्स से, हैं उनमें भी काफ़ी सारी रिलैक्सेशन की गई है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अभी जो रेजिडेंस के लिए थी कि वो GDRFA और जो ICA अप्रूवल था, इसको अगर आप लोग अभी आप इंडिया से ट्रैवल करने का प्लान करें तो अभी आपको कोई भी GDRFA का अप्रूवल या ICA का अप्रूवल नहीं लेना चाहिए। इससे पहले यह भी बताया दिया गया था जी कि जो भी रैपिड टेस्ट की जो रिक्वायरमेंट थी, जो 6 घंटे पहले लिया जाता था, वो भी अभी आपको नहीं चाहिए। सिर्फ 48 घंटे पहले आपको जो PCR की नेगेटिव रिपोर्ट है उसी से आपका जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं आप। सबसे ज़्यादा मुझे क्वेश्चन GDRFA और ICA अप्रूवल के आते थे, और वो लोग करते थे जो कि विजिट वीज़ा के लिए आना चाहते थे। मैं हर अपनी पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये जो GDRFA अप्रूवल हो गया दुबई के लिए या ICA अप्रूवल हो गया अबू धाबी के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंस के लिए था, जो यहाँ पर काम करते थे जिनके पास यहाँ पर रेजिडेंस वीज़ा होना चाहिए। पहले भी ये विजिट वीज़ा होल्डर्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे लोग यही पूछे जी हम विजिट पे आने का प्लान कर रहे हैं तो हमें क्या अप्रूवल चाहिए। विजिट वीज़ा के लिए तो पहले भी नहीं था, लेकिन अभी अगर आप लोग इंडिया से ट्रैवल कर रहे हैं तो आप रेजिडेंस है, यहाँ पे काम करते हैं, तो भी अभी आपको GDRFA का अप्रूवल दुबई के लिए और अबू धाबी के लिए ICA का अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये सारा कुछ जैसे जैसे ईजी हो रहा है ये काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट डालेगा आगे यहाँ पे टूरिज़्म के ऊपर भी, क्योंकि उससे पहले लोग जो भी ट्रैवल करते थे उनको काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस का देखना पड़ता था। लेकिन अभी ये सारी चीज़ें ईजी हो रही हैं, स्पेशली फॉर वैक्सीनेटेड पीपल, जितने भी लोग यहाँ पे वैक्सीनेटेड हैं उनके लिए भी ईजी हो रहा है। और यहाँ पे दुबई के अंदर भी और UAE के अंदर भी जो डिफरेंट सेफ्टी मेजर्स हैं उनको भी रिलैक्स किया जा रहा है। इसके रिलेटेड आप और कोई अपडेट आती है तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।